बने अमेरिका के, क्या कहना चाहेंगे? तासुर ये दिया जा रहा है जी पाकिस्तान में अब बड़ा कुछ चेंज हो जाएगा, वो ट्रंप ने कोई पाकिस्तान में इलेक्शन लड़े हैं या मतलब वो जीते हैं, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? एक्चुअली जैसा तासुर बना हुआ ना कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी चेंज आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। इमरान हाँ जेल से बाहर ट्रंप निकाल देंगे? सुने अमेरिकन प्रेसिडेंट के चेंज होने से उनकी पॉलिसीज में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता होता, क्योंकि वहाँ पे पर्सन तो चेंज होता है, लिटिल बिट चेंज आती है, क्योंकि वहाँ पे एक थिंक टैंक होता है जिसने पॉलिसीज मेड आउट करनी होती है। ठीक है, और वहाँ पे गवर्नमेंट की तब्दीली से जो भी चेंज आती है वो पूरी वर्ल्ड में आ सकती है, स्पेशली पाकिस्तान में नहीं। बाकी ये कि पाकिस्तान में ये तासर इसलिए बना कि हम दुनिया के किसी भी मसले को अपना मसला बना लेते हैं। जैसे मेयर लंदन का इलेक्शन था तो वो ऐसे लग रहा था कि जैसे सादक खान नून लीग का कैंडिडेट है और जो उसका ओपोनेंट है वो पीटीआई का, इसी तरह यहाँ पे ऐसे हो गया कि कमला हैरिस जो है वो नून लीग की है और जो ट्रंप है वो पीटीआई का। हम लोग खाम का हर मसले में ऐसे टांग पिसाते हैं और कर कुछ नहीं पाते। इवन जैसे अभी इसराइल और फलस्तीन की जंग की बात करें तो कितना शोर शराबा ये वो कर क्या पाए? नहीं, हम बातें करने में शहजादे हैं ना, शेर हैं। हाँ जी, इसलिए हर बंदा सियासतदान है, घर में उसकी बात सुने ना सुने ठीक है, वो बाहर आके कहता मेरी सुनो, मैं सबसे बेहतर तजिया कर सकता हूँ, मैं सोल्यूशन बता सकता हूँ। ठीक हो गया, लेकिन मेरे ख्याल से डिस्कशन तो होनी चाहिए, सारी बात है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर, जब तक हमारी नजर ना होगी हमें डिस्कशन होनी चाहिए। जो मतलब हर मसले को अपने इर्द गिर्द हम लपेट लेते हैं ना, ये उम्मीदें लगा लेते हैं कि जी ट्रंप आ गया ये हो जाएगा, जिस हद तक हम इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, ये ऐसे ही बना हुआ था जैसे यहाँ पे उनका इलेक्शन हो रहा है और हम मतलब एक पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट दी है ट्रंप ने अपने इलेक्शन की स्पीच, विक्ट्री स्पीच से पहले उन्होंने बोला था कि भाई जब मैं आऊंगा तो जंगें सारी रुकवा दूंगा, नो मोर वार, इसने एजेंडा दिया। तो आप इसके ऊपर क्या मतलब, वो तो फिर अगर देखा जाए तो हम ये कहते हैं इसराइल को सपोर्ट ही कौन कर रहा है, अमेरिका तो अमेरिका इसराइल को सपोर्ट करना बंद कर देगा, यूक्रेन को सपोर्ट करना बंद कर देगा? नहीं, अमेरिका जो है इसराइल को सपोर्ट करना कभी भी बंद नहीं करेगा, क्योंकि जो अमेरिका जंग के मामले में मैं बात कर रहा हूँ। जी जी, मैं सुने आप, क्योंकि जो अमेरिका की इकोनॉमी है या वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो ज्यूस के हाथों में है, उनके पंजे हैं, उन्होंने गाड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो अमेरिका जो है वो इतना उसके मतलब स्पोर्ट से पीछे नहीं हट सकता। ठीक है, हाँ, उसने ये कहा कि मैं नई जंग शुरू नहीं करूंगा, उसने ये नहीं कहा कि मैं पहली जंगें बंद कर दूंगा। ठीक हो गया, देयर इज अ डिफरेंस, मोर वार का मतलब ये किसी और जगह उसने कहा मुहाजरा ही नहीं करूंगा। ठीक है, इसका मतलब हम ये भी ले सकते हैं कि जो चल रही है उनको वो कंटिन्यू करेगा। ठीक है, अच्छा और आपसे लास्ट में करूंगा, उससे पहले वाइस ओपिनियन ले लें, आप क्या कहना चाहेंगे? सेम क्वेश्चन आपसे ही है कि ट्रंप के आने से पाकिस्तान में क्या फर्क पड़ेगा, इवन इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन, इस खत्ते के रिलेशन में, या मतलब क्या आपको नजर आ रहा है चीज? देखिए, मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान बनने के 5 साल के बाद, 5-7 साल के बाद ना, ठीक है, हम अमेरिका के गुलाम हो गए थे जब जनरल अयूब खान ने, मेरी ये चलानी है अपने बात, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई मुझे कोई इशू नहीं है। अयूब खान कह रहे हैं मास्क लगाया हुआ, हाँ नहीं कोई इशू नहीं है, और दूसरे नंबर पे आप कौन? मेरी ना चिट्टी दाढ़ी बदी हुई है। ठीक है, अच्छा चलाएंगे, बताएं। वो ना ऐसे इसलिए कि जनरल अयूब खान को जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया था ना अमेरिका ने, वो पता क्या बात है, वो हम उनके गुलाम थे, अच्छा? हैं, रहेंगे, पाकिस्तान वाली बात नहीं, ओहो क्यों नहीं रहेंगे, रहेंगे वाली बात, आपने क्वेश्चन करके आंसर लेना है, चले हाँ, आपने आर्गू नहीं कर, रहेंगे क्यों, क्यों ओपिनियन दे सकते, वो देखें ना उसका भी कह रहे हैं ना, क्यों नहीं रहे आपने करें, वो इसलिए कि आपके अंदर मेरे अंदर सिर्फ बातों का शौर है, हम पेट्रोल बढ़ता है ना तो सिर्फ उसी दिन टैंकियां फुल करवाने वाले हैं, वही बंदे जो पेट्रोल डलवा रहे हैं ना वो है। सड़क पे आ जाए ना तो कह रहे आज जिंदगी मौत है मेरी, है। मैं बाहर निकलूं अपने हक के लिए लड़ूं, भाई क्यों नहीं, देखें ये हमारे हकूक हासिल करने का शौर हमारे अंदर नहीं है, और हमें ये लगता है हमारा हक लेके देना है तो इन्होंने हमारा हक लेके देना है, मतलब किसी पे डाल देते हैं, ट्रंप आएगा इमरान खान को बाहर, मैंने पता क्या करना है, मैंने कहना है कि आप है ना थोड़ा सा आगे 2 स्टेप निकले, मैं पीछे खड़े होके ऐसे वो देखूंगा, ठीक हो गया, ठीक है ना, और जब आपको कुट पड़ गई तो मैं पीछे से गायब हूं। ठीक है, आपने एक बात किया जी पाकिस्तान बनने से 5 साल बाद ही हम गुलाम हो गए अमेरिका के, अभी भी हैं और रहेंगे, चले रहेंगे वाली मैं इस सेंस में आपसे डिसएग्री करता कि भाई ऐसी सोच अगर हम ये रखेंगे तो फिर हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे, जब तक हम शौर नहीं देंगे ना, एक लीडर ने शौर आके दिया था, अब आप इस बच्चे से भी पूछेंगे ना कोई क्वेश्चन तो ये बच्चा भी आपको ऐसा उस क्वेश्चन का आंसर देगा ना कि आप हैरान हो जाएंगे। एक लीडर ने शौर दिया था कि हमें हकीकी आजादी चाहिए, ठीक हो गया, उसको हमने जेल में डाल दिया। अच्छा, अभी जो दुनिया के मुख्तलिफ लीडर कंग्रेचुलेशन कह रहे हैं ट्रंप को प्रेसिडेंट बनने पे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला कंग्रेचुलेशन बोला, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि माय फ्रेंड ट्रंप,
और उधर से भी रिप्लाई यही आता है, मतलब वो भी एक इंटरव्यू में यही कहते हैं कि माय फ्रेंड मोदी, ट्रंप ये कहते हैं। पाकिस्तान के मामले में देखा जाए, इंडिया के मामले में रिलेशन किसके साथ? आपने एक चीज नोट नहीं की आपने, अब मैं आपको उसके ऊपर तवज्जो दिलाओ, नोटिस देता हूँ। अमेरिका का जो वाइस प्रेसिडेंट ट्रंप लेकर आया था ना उसको, कि स्पीच करो, वाइस प्रेसिडेंट की मिसेज कौन है? कौन है? वो हिंदू है। अच्छा, हाँ जी। इंडिया के साथ हम कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते, हमें तो सिर्फ ये बताया गया ना, बस ये कर देंगे। इंडिया चाहे तो दो मिनट में हमें तबाह कर दे, आप यकीन करें। ट्रंप अब हाल ही में यूएसए के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ट्रंप के बनने के बाद बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बदलेंगे, खासकर जो साउथ एशिया है उसके अंदर तो बहुत सी चीज़ें बदलने वाली हैं। एक सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी ये लगाई जा रही है कि इंडिया के साथ यूएसए के जो रिलेशनशिप है वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी होने वाली है। रही बात व्यापार के मामले में, तो व्यापार के मामले में दोनों ही कंट्री सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ही सोचेंगे। ऐसा नहीं है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से बोल दिया कि मोदी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो इंडिया के लिए ही यूएसए सब कुछ करे, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक कंट्री अपने फ़ायदे के लिए ही सोचती है। यूएसए का तो रिकॉर्ड है कि यूएसए में कोई भी सरकार आ जाए, पॉलिसीज़ में ज़्यादा चेंज नहीं होता, मच कुछ ही चेंज होगा, क्योंकि जो थिंक टैंक हैं वो यूएसए के हिसाब से चीज़ों को बनाते हैं। लेकिन कुछ प्रॉमिस की थी, जैसे कुछ ज़्यादा वॉर नहीं होंगे, वर्ल्ड के अंदर ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी, तो इन मुद्दों पर खरे उतरते हैं या नहीं ये देखना होगा। लेकिन ट्रंप यूएसए को फर्स्ट लेकर आएंगे, ये बात सच है, और उनकी पॉलिसी भी ऐसी होंगी जिसकी वजह से यूएसए को आगे लेके आया जाए। इस मामले में हो सकता है कि इंडिया को कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है, ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद इंडिया का कुछ फ़ायदा ही होगा, कुछ नुकसान नहीं है। रही बात पाकिस्तान की, तो यूएसए पाकिस्तानियों को अपने हिसाब से चलाते हैं, ऐसा नहीं है कि ट्रंप के बनने के बाद पाकिस्तान को बैकफुट पे छोड़ दिया जाएगा, अब ध्यान ही नहीं यूएसए देगा। यूएसए का एक मोहरा है पाकिस्तान, जब वो चाहे जब उसका इस्तेमाल कर सकता है। जिस हिसाब से पाकिस्तान यूएसए के कहे अनुसार चलता है, जो वो बोलता है वही करता है, एशिया के अंदर इन्फ्लुएंस फैलाने के लिए ये सबसे अच्छी कंट्री है उसके लिए, खासकर क्योंकि एशिया में कोई और ऐसी कंट्री नहीं है जो यूएसए के हिसाब से टोटली चले, ऐसी पाकिस्तान है, क्योंकि इसकी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है, उसकी हालत दर से बदतर होती जा रही है। ऐसी स्थिति में वो जितने डॉलर फेंकेगा पाकिस्तान उसी हिसाब से चलेगा। एक और इन लोगों की आदत ख़राब है कि यूके में या यूएस में जब भी इलेक्शन होते हैं तो ये लोग ऐसे सोचते हैं जैसे इन्हीं की कंट्री में इलेक्शन हो रहे हैं, और ग्रुप बढ़ जाते हैं, कोई किस पार्टी की तरफ होगा, कोई किस पार्टी की तरफ होगा, ये हमेशा उम्मीद लगाने लगते हैं कि उस कंट्री में वो व्यक्ति जीत जाएगा तो हमारे देश का उद्धार हो जाएगा, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। रही बात इंडिया की, तो इंडिया अब इन चीज़ों से बहुत आगे निकल चुका है, अब इंडिया सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए सोचता है और जो ट्रेड है वो करता है, भारत के लिए जो सही है वो भारत करेगा। अगर यूएसए की कुछ पॉलिसीज़ भारत के खिलाफ गई तो भारत उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाएगा, दबेगा नहीं। लेकिन पाकिस्तान के सेंस में ऐसा नहीं है, ये लोग यूएसए के पपट बन चुके हैं। अभी ट्रंप के जीत जाने के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि इमरान खान बाहर निकल जाएगा, पाकिस्तान में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर ऐसा कुछ खास होने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई भी सरकार हो वो यूएसए के नीचे ही रहती है, और अगर ये गवर्नमेंट भी यूएसए के हिसाब से चली तो यूएसए इस गवर्नमेंट को नहीं निकालेगा बाहर, बिल्कुल नहीं फेंकने वाला, और ये यूएसए के खिलाफ गए तो यूएसए इसको भी निकाल के फेंक देगा, क्योंकि चलती यूएसए की ही है। यूएसए थोड़ा दिमाग से गेम खेलता है, वो अपने फ़ायदे के लिए किसी भी कंट्री को तुड़वा सकता है, बड़े बड़े दंगे करवा सकता है, सरकारें बदलवा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो कुछ खास चीज़ें नहीं बदलने वाली ट्रंप के आने के बाद, लेकिन व्यापारिक समझौते होंगे, इंडिया के साथ बहुत सी चीज़ें बदल सकती हैं, जैसे जो रिलेशनशिप है वो बेहतर हो जाए, क्वाड एक मजबूत हो जाए, कई व्यापारिक समझौते हों, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान हो, तो इंडिया के हिसाब से बहुत सी चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन पाकिस्तान के हिसाब से कुछ खास नहीं बदलने वाला। अगर पाकिस्तान यूएसए के हिसाब से चलता रहा तो वो इसको ऐसे ही चलाएगा, इसके अंदर दोबारा जिस तरीके से इमरान खान को फिकवाया था वैसे नहीं करने वाला। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।